हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंद्रधनुष से संबंधित अमेजिंग जानकारी के बारे में जानते हैं। आपने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। बारिश के मौसम में अक्सर सूरज की रोशनी और पानी की बूंदों के संयोजन के दौरान वर्ण विक्षेपण से यह बनता है। इसे समान भाषा में समझें, जब बारिश के दौरान कभी आकाश में बड़े आकार की कुछ बूंदें रह जाती है और जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है तो यह 7 अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके चलते हमें धरती पर सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है। पर जब कभी इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है उस समय सूरज हमारे पीछे की तरफ होता है, जिसके चलते सुबह में इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में तथा शाम के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। पर आपने ज्यादातर जो भी इंद्रधनुष देखा होगा वह एक छोर से दूसरे छोर तक आधा गोलाकार ही देखा होगा। लेकिन वास्तव में क्या यह अर्धगोलाकार होता है या नहीं, क्या यही सच है, तो जानते हैं। वास्तव में जहाँ इंद्रधनुष बनता है वहाँ गोलाकार बनता है, लेकिन वो जगह हमसे काफी दूर होती है। साथ ही साथ हमारी धरती के गोलाकार होने के कारण इंद्रधनुष का लगभग आधा भाग पृथ्वी के नीचे भाग में बना होता है, जिस वजह से हम इंद्रधनुष के ऊपरी भाग को ही देख पाते हैं। यदि आप लाइट सफर कर रहे हैं और उस वक्त इंद्रधनुष बना हुआ हो तो शायद आपको इंद्रधनुष पूर्ण गोल आकार में नजर आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।